नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी YouTube चैनल एजे ट्रेडर्स में। दोस्तों, ये स्टॉक एनालिसिस और एक वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने परसों यानी दो दिन पहले मैंने आपको तीन स्टॉक दिए थे बाय करने के लिए। इनमें एक था बाटा इंडिया। बाटा इंडिया के बारे में मैंने बोला था आपको कि 1852 के ऊपर निकलेगा, तो उसका पहला टारगेट मैंने आपको दिया था 1866 रुपीस और दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया था 1880 रुपीस। तो आज आप उसको चेक कर सकोगे, उसने आज हाई मारा 1916 रुपीस। यानी किसी ने बाय किया होगा तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट मिल गया होगा। अभी उसका अगर आज के हाई को ब्रेक करेगा 1916 को, तो वो ऊपर जा सकता है। तीसरा कौन सा रहेगा लेवल उसका, 1937 तक वो जा सकता है। और हो सके तो जितना प्रॉफिट होता है वो लेके आप बाहर निकल भी सकते हो। ये लेवल मैंने आपको दिए थे, ये दोनों अच्छी हो गए और ये तीसरा लेवल मैं आज दे रहा हूँ, वो कल आ जाएगा। ओके, दूसरा स्टॉक मैंने आपको दिया था एसबीआई कार के बारे में आपको बोला था कि 818 पे अगर वो 18 के ऊपर निकलेगा, तो उसका पहला टारगेट मैंने आपको दिया था 825 रुपीस और दूसरा टारगेट मैंने दिया था उसको 830 रुपीस और तीसरा टारगेट मैंने आपको दिया है 842 रुपीस, तो वो टारगेट भी कल आ जाएगा। ITC तीसरा स्टॉक मैंने दिया था आपको, ITC मैंने आपको बोला था कि 240 के ऊपर निकलेगा, तो उसका पहला टारगेट मैंने दिया था 248 रुपीस 248 और दूसरा टारगेट मैंने दिया था 261 रुपीस। ओके, तो ये टारगेट बहुत ही जल्द आने वाला है फ्रेंड्स, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा और ये टारगेट अचीव होगा तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फ्रेंड्स, वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए, और हो सके तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर किसी को न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। आइए दोस्तों देखते हैं, मैंने और तीन स्टॉक निकाले हैं। कल के लिए इनमें से पहला है मेरा अंबुजा सीमेंट। अगर अंबुजा सीमेंट को देखोगे तो वन डे के चार्ट में ये ट्रेंड लाइन उसने आज ब्रेक किया है फ्रेंड्स। तो अगर कल टुमॉरो आज के हाई को निकालेगा यानी 311 को निकालेगा वो, तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 315 रुपीस और दूसरा टारगेट उसका आ सकता है, ये जो गैप पड़ा है उसको फिल करने के लिए वो जा सकता है, लेकिन मैं दूसरा टारगेट आपको दे रहा हूँ 322 रुपीस और तीसरा टारगेट हमारा रहेगा 330 रुपीस। इसको भी मैं प्राइस लेवल मार्क कर देता हूँ फ्रेंड्स, ये रहेगा हमारा 311 रुपीस, ब्रेक करेगा तो आएगा 315 रुपीस, दूसरा टारगेट आएगा 322 रुपीस और तीसरा टारगेट आएगा उसका 330 रुपीस। और दूसरा स्टॉक है हेवल्स। अगर हेवल्स ने भी आज चेक करोगे तो उसने भी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दिया है। अगर कल टुमॉरो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज देता है तो हमारा टारगेट आएगा 1165 रुपीस और 1185 रुपीस, यानी 1140 के ऊपर उसको क्लोज देना है। हो सकता है कल भी ये टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स। अगर कल इसी आज के हाई के यानी 1140 के ऊपर निकलता है तो आप उसको भी बाय कर सकते हो वन वीक के लिए। दोस्तों, मैं जितने भी स्टॉक देता हूँ वो वन वीक के लिए देता हूँ। ओके, और तीसरा स्टॉक मैंने लिया है यहाँ पे एशियन पेंट। आप यहाँ पे डेली चार्ट में देखोगे कि एशियन पेंट ने आज डोजी कैंडल बनाया है और डोजी कैंडल एक्टिव कब होगी, जब ये टुमॉरो आज के हाई को ब्रेक करेगा तो ये एक्टिव हो सकती है। तो आज के हाई का 3051 को ब्रेक करेगा कल, तो उसका पहला टारगेट मैंने लिया है 3072 और दूसरा टारगेट मैंने लिया है उसको 3095 और अल्टीमेट तीसरा टारगेट उनका रहेगा 3148। लेकिन अगर कल 3051 के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए डेली चार्ट के अंदर। ओके फ्रेंड्स, ये रहा पूरा स्टॉक के बारे में मैंने आपको ये बोला। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं अपने एजुकेशन के प्रपोज से ही बनाता हूँ। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप अपने फाइनेंस एडवाइजरी की सलाह ले सकते हो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।